हाय गाइस, इस वीडियो में हम कांग्रेस ऑफ बर्लिन की बात करेंगे। और इससे पहले हम क्या देख चुके हैं, हम इससे पहले ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो की बात कर चुके हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो जब 1877 से 78 के बीच में जो रूसो टर्किश वॉर हुई थी, उसके बाद क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो साइन हुई थी। और इसमें जो है रशिया को काफ़ी गेन हुआ था। तो ये गेन डिड नॉट वेंट वेल डाउन विद द यूरोपियन पावर, सो दे फोर्स ट्रीटी ऑफ बर्लिन। और यू कैन से कांग्रेस ऑफ बर्लिन में एक बैठक बुलाई गई और उसमें जो है रशिया के ऊपर जो है काफ़ी सारी कंडीशन जो है वो इम्पोज की गई। ठीक है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। कांग्रेस ऑफ बर्लिन हैपेंड इन 1871 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो वॉज साइंड, और इट वॉज ब्रॉट टू यू नो लाइक नल डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो। दिस वॉज दैट वॉज गिविंग सो मच एडवांटेज टू रशिया। सो द कांग्रेस ऑफ बर्लिन दैट वॉज हैपेंड बिटवीन 13 June to 13 July of 1878 वॉज अ मीटिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिक्स ग्रेट पावर्स ऑफ द टाइम। हु वर द सिक्स ग्रेट पावर्स? रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली एंड जर्मनी। एंड यू सी द ट्रीटी ऑफ बर्लिन हैपेंड इन बर्लिन मीन्स जर्मनी। और ये किसके उसमें हुई, किसके सामर्थ्य में हुई और किसने जो है एज अ मीडिएटर की तरह काम किया, दैट यू मस्ट नो, दैट वॉज बिस्मार्क। ओके, सो यू कैन नॉट लेट गो ऑफ इट। ओके, सो द ऑटोमन एम्पायर एंड फोर बाल्कन स्टेट्स, दैट इज ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया एंड मॉन्टेनेग्रो। एंड यू सी ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया एंड मॉन्टेनेग्रो हैड क्लेम्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। सो इट एम्ड एट डिटरमाइनिंग द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स इन द बाल्कन पेनिनसुला फॉलोइंग द रूसो टर्किश वॉर ऑफ 1877-78 दैट आई टोल्ड यू। किसी वॉर में जो है ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो इम्पोज किया था रशिया ने किसके ऊपर, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, और बहुत सारी जो है लाइक आपके गेन्स जो है हासिल किए थे। सो एंड केम टू एन एंड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ बर्लिन। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन होती है, और इस ट्रीटी ऑफ बर्लिन ने क्या किया था, कांग्रेस ऑफ बर्लिन में ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन हुई और इसने ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसने कहा कि ये ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो अब लागू नहीं होती है, अब हमारी कागज कलम चलेगी और अब हमारे जो है हम कंडीशंस इम्पोज करेंगे और रशिया मानेगा। ठीक है, सो रशिया हैड नो चॉइस बिकॉज सो मच सो मेनी पावर्स हैड कम टुगेदर अगेंस्ट रशिया। यू सी, रशिया एक किसी कंट्री से वॉर कर सकता था, लेकिन एक तो ऊपर से वो लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर से नेवल बेसिस की जरूरत है, नेवल पावर थी नहीं रशिया के पास, और रशिया के अगेंस्ट जो है बहुत सारी पावर्स खड़ी हो गई थी। तो रशिया वर्सेज क्या सिचुएशन हो गई थी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी और आपके इटली, ठीक है, इटली और यू सी जर्मनी ऑल्सो केम अगेंस्ट। तो रशिया हैड नो चॉइस बट टू अबाइड बाय द ट्रीटी ऑफ बर्लिन। ठीक है, तो 3 months अर्लियर क्या साइन हुई थी, 3 महीने पहले, ट्रीटी ऑफ बर्लिन के 3 महीने पहले ये ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो। और ये ट्रीटी रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बारे में बीच में साइन हुई थी। और इस ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो की हम पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं, एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि जो है आप क्रोनोलॉजी में वीडियो देखेंगे तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ बर्लिन में क्या क्या आपके प्रोविजन थे। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि जो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी में, लंदन, पेरिस, ये सारे सेंटर्स हुआ करते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के। बर्लिन अभी तक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर के रूप में कि इंटरनेशनल लेवल पे मेडिएशन हो रही है, ऐसा सेंटर नहीं था। तो पहली बार जो है बर्लिन को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, बर्लिन गॉट दिस चांस टू होस्ट सच काइंड ऑफ सच वास्ट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एंड वॉट इट शोज, कहीं पर भी इतने लेवल की जो पॉलिटिकल डीलिंग्स होती हैं तो वो उस कंट्री का आप देखेंगे कि वर्चस्व शो करता है। अभी आप ये बात जो है, ये जो फैक्ट है, ये आज की डेट में भी लागू होता है। आप देखते हैं कि ये अर्थ समिट और रियो डी जेनेरो, ये सब जो जहाँ पे भी होता है तो वो आप देखते हैं ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में होता है, या फिर लाइक इंटरनेशनल लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं यूरोपियन कंट्रीज में होती है, तो उससे यूरोपियन कंट्रीज का वर्चस्व बढ़ता है। तो ज़्यादातर इसीलिए होता है। आप वर्ल्ड बैंक, बहुत सारी चीज़ें लाइक हो, मतलब वर्ल्ड बैंक में बहुत सारी ट्रीटी साइन होती है, तो ये सब क्या शो करता है, अमेरिका का आपके वर्चस्व शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके बर्लिन पहली बार ऐसा बन रहा था। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ दिस कांग्रेस मीन्स बर्लिन कांग्रेस वर, बर्लिन कांग्रेस या ट्रीटी ऑफ बर्लिन में क्या डिसाइड किया गया उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, बल्गारिया वॉज पार्टीशन, बल्गारिया को 2 पार्ट्स में पार्ट कर दिया गया। और जब हमने रूसो टर्किश वॉर में सैन स्टेफनो ट्रीटी डिस्कस की थी, तब उसमें भी मैंने आपको बिगर बल्गारिया और आपके स्मॉलर बल्गारिया की इमेज दिखाई थी। उसको आप चाहें तो आप फिर से देख सकते हैं, आई शो यू, सी ये है आपका वो मैप, और ये आप देख रहे हैं बल्गारिया है,
ठीक है। तो जब सिटी ऑफ सैन स्टेफनो शाइन हुई तो ये पूरा बल्गारिया रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर आया था, लाइटर पिंक के शेड में शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर जब ट्रीटी ऑफ बर्लिन आपकी साइन होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए स्मॉल बल्गारिया क्रिएट कर दिया गया कांग्रेस ऑफ बर्लिन में 1878 में। तो बिगर बल्गारिया वॉज द बल्गारिया दैट रशिया वॉन्टेड फॉर देमसेल्फ, बट इट के नॉट हैपन। बाद में ट्रीटी ऑफ बर्लिन के तहत बोला गया कि रशिया का इन्फ्लुएंस इसी छोटे बल्गारिया में होगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बारे में या कांग्रेस ऑफ बर्लिन के बारे में। फिर कांग्रेस ऑफ बर्लिन में बोला गया कि बल्गारिया को दो पार्ट्स में बांटा जाएगा और जो है वो बल्गारिया जो है टर्की के अंडर प्रोटेक्शन रहेगा। मतलब रशिया ने बोला था कि ऑटोमन एम्पायर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जब ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो साइन हुई थी, लेकिन जब ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन होगी तो उसमें बोला जाएगा कि ये बल्गारिया जो है टर्की के आपके पोजीशन में, या यू कैन से प्रोटेक्शन में रहेगा। ब्लैक सी वाज डिक्लेयर्ड एज अ न्यूट्रल जोन। ये पहले भी इन्होंने बोला था जब आपके ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की थी 1856 में, आपको याद होगा जब क्रीमियन वॉर हुई थी ब्रिटेन फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन फ्रांस और रशिया के बीच में, ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ जिसमें काउंट केवर ने भी अपनी आर्मी भेज दी थी और आपके एक तरफ क्या था रशिया। तो 1856 में जो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की थी उसमें ये चीज़ थी, न्यूट्रल जोन रहेगा आपके ब्लैक सी। वो यहाँ पे दोबारा डाला गया क्योंकि ब्लैक सी को रशिया ने बोला था कि ये रशियन इन्फ्लुएंस का रीजन रहेगा, ये ऑटोमन एम्पायर मान ले, कब बोला था ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो में, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो को अंडू करने की बहुत ही लाइक काबिल तारीफ कोशिश थी। बिस्मार्क वॉज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इन दिस एरिया, गेव साइप्रस टू ब्रिटेन एंड बोस्निया हर्जेगोविना टू ऑस्ट्रिया। यू सी हाउ पॉलिसीज आर लाइक चेंजिंग। साइप्रस जो है ब्रिटेन को मिल गया और बोस्निया हर्जेगोविना किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। और इसमें बिगर अपर हैंड किसका था, ये जो चीजें डिसाइड हो रही थी इसमें बिस्मार्क का काफी रोल था। बिस्मार्क प्लेड अ रोल ऑफ यू कैन से दैट लाइक मेडिएटर। अब एक बार आप देख लीजिए साइप्रस कहां पे है, मैं आपको दिखा दूं कि साइप्रस और आपने देखा बोस्निया हर्जेगोविना जिसमें जो है रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो, अभी इस मैप में तो साइप्रस शो नहीं हो रहा है, शायद पहले का कोई मैप होगा उसमें हम देख लेते हैं। एक बार ही देख लेते हैं ना मैप, ये तो वालाचिया मोलदाविया रोमानिया का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए इस मैप में, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको बोस्निया हर्जेगोविना दिख जाएगा, ये रहा आपका बोस्निया हर्जेगोविना, इसमें जो है ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस माना गया। और साइप्रस वैसे आपको पता होगा ही, आई वॉन्टेड टू शो यू बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ मैप अवेलेबल हियर इन माई प्रेजेंटेशन, सो ओके ठीक है चलिए। यहाँ पे मैप नहीं भी दिया है तो मैं आपको वैसे ही बता दूँ, जैसे ये टर्की है ठीक है, यहाँ पे टर्की है ठीक है, और यहाँ पे आपके साइप्रस होगा। जब आप मैप देखेंगे बड़ा सा आप मैप देख लीजिए, टर्की के लेफ्ट हैंड साइड में है ठीक है। तो आइलैंड जैसी कंट्री है, आज की डेट में वो टर्की का पार्ट है, तो उसको बोला गया टर्की जो है ब्रिटेन का एरिया रहेगा, सॉरी साइप्रस जो है ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस का रीजन रहेगा और बोस्निया हर्जेगोविना किसका रहेगा, बोस्निया हर्जेगोविना आपका ऑस्ट्रिया को मिलेगा ठीक है। तो ये चीज़ डिसाइड हुई थी किसमें, आपके कांग्रेस ऑफ बर्लिन और यू कैन से ट्रीटी ऑफ बर्लिन, हम इसी की बात कर रहे थे। तो बिस्मार्क इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर ही गेव साइप्रस टू ब्रिटेन एंड बोस्निया हर्जेगोविना टू ऑस्ट्रिया। सो बर्लिन कांग्रेस वॉज काइंड ऑफ सक्सेसफुल कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि रशिया के अंदर और एनिमिटी डेवलप होगी यूरोपियन पावर्स के विरुद्ध, और जो है आप देखेंगे कि एक तरह से आपस में इंट्रीग बढ़ गए। हालांकि रशिया ने जो ब्रिटेन फ्रांस की तरफ से लड़ाई की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जर्मनी का जो इन्फ्लुएंस भी है वो जो आपका यूरोपियन कॉन्सर्ट है वो टूटेगा और जो है आपका ये तीन ट्राइपराइट अलायंसेस बनेंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट अलायंसेस बनेंगे ठीक है, और उनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा था आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, और सब में आपस में टेरिटरीज को लेकर के इतनी भूख पड़ने लगी थी कि अब जो है वॉर तो होना ही था, कोई बिग स्केल वॉर को अब कोई रोक नहीं सकता था। इट प्रूव टू बी अ बिग लॉस फॉर रशिया एंड रशिया स्टार्टेड मूविंग क्लोजर टू फ्रांस लीडिंग टू ड्यूअल अलायंसेस ऑफ 1878। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि पहले जर्मनी और रशिया का काफी अच्छे संबंध थे ठीक है, जर्मनी ने रशिया के साथ आपके रशिया के साथ रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ थ्री एम्पायर्स लीग साइन की थी, कब, बिस्मार्क के टाइम पे, ये हमने जब बिस्मार्क की पॉलिसीज पढ़ी है तब पढ़ा है। और जर्मनी ने रशिया के साथ इंडिविजुअली भी आपके री इंश्योरेंस ट्रीटी साइन की थी जिसको बाद में कैसर विलियम ने रिन्यू नहीं किया। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि इसकी वजह से फ्रांस के टुवर्ड्स जर्मनी, सॉरी रशिया मूव करेगा टू हैव अ
अलायंस हैव अ प्रोटेक्शन, ये वो रशिया चाहता था कि उसका भी कोई मतलब सपोर्टर रहे. तो इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है सब कुछ जो सिस्टम क्रिएट किया गया था बिस्मार्क द्वारा वो भी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा. फ्रॉम हियर स्टार्ट्स अ टेंशन बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया. सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में एक टेंशन होगी क्योंकि सर्बिया वॉज क्लेमिंग बोस्निया हर्जेगोविना टू एंड ऑस्ट्रिया वॉज क्लेमिंग बोस्निया हर्जेगोविना टू. वाई? बिकॉज ऑस्ट्रिया वॉज गिवन एन अपर हैंड टू इन बोस्निया हर्जेगोविना इन ट्रीटी ऑफ बर्लिन. और सर्बिया का कहना था कि वो हमारा रीजन है क्योंकि वहां पे स्लाव पीपल रहते हैं. और आप देखेंगे कि इसीलिए जो है रशिया सर्ब्स को रशिया सर्बियंस को जो है सपोर्ट करेगा. ठीक है, रशिया जो है इनको सपोर्ट करेगा सर्बियंस को, और जो है बोस्निया हर्जेगोविना में ऑस्ट्रिया जो है अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा. और बोन ऑफ कंटेंशन वॉज बोस्निया हर्जेगोविना. और इसीलिए जब बोस्निया हर्जेगोविना में कोई राजा आएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड आएंगे तो सर्बिया का कोई स्टूडेंट उनको शूट कर देगा. और दैट वॉज अ टिकिंग बॉम्ब दैट बस्टेड आउट. और उसी के बाद जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा. उसके बारे में हम आगे देखेंगे. तो आप देखेंगे कि जर्मनी अभी तक ईस्टर्न क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था बर्लिन कांग्रेस के पहले. 1878 के बर्लिन कांग्रेस के पहले जर्मनी का जो है कोई रोल नहीं था ईस्टर्न क्वेश्चन में. अभी तक ब्रिटेन फ्रांस इटली वॉज समहाउ इन्वॉल्व एंड रशिया वॉज इन्वॉल्व एंड ऑटोमन एम्पायर वॉज देयर बिकॉज इट वॉज द रीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर इटसेल्फ. बट बाय द ट्रीटी ऑफ बर्लिन और यू कैन सी द कांग्रेस ऑफ बर्लिन इन 1878 बर्लिन और जर्मनी यू कैन से मेड एन एंट्री टू द ईस्टर्न क्वेश्चन. रशिया लॉस्ट एवरीथिंग इन बर्लिन कांग्रेस दैट इट हैड गेन्ड अर्लियर इन द रूसो टर्किश वॉर ऑफ 1877-78 बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो. सो रशिया लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस बर्लिन कांग्रेस बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर रशिया टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट्स डिसीजन. रशिया खुश नहीं था बर्लिन कांग्रेस के फैसले से, लेकिन जो है उसके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता था, लड़ाई भी नहीं कर सकता था. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, इटली, ऑस्ट्रिया सब एक साइड पे थे और रशिया अकेला था. ठीक है, इनफैक्ट फ्रांस जिसके साथ ड्यूअल अलायंस साइन करेगा रशिया बाद में, वो भी जो है इन लोगों की साइड था. तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो रशिया ऑप्टेड फॉर बैकडोर पॉलिसी. अब रशिया क्या करेगा कि रशिया डायरेक्ट लड़ाई तो कर नहीं सकता, तो जैसा कि आपने वार्म वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा जो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपने देखा था कि रशिया का जो मैप आप देखेंगे तो देखिए जियोग्राफी और पॉलिटिक्स और जो है इकोनॉमी ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है. तो रशिया की जियोग्राफी आप देखेंगे तो चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है और जो है उसका एक पोर्ट है यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, वो जो है आपके 4 महीने से 6 महीने जो है फ्रीज ही रहता है. तो एक मिलिट्री मूव करने के लिए या वॉर लड़ने के लिए आर्मी को किसी जगह भेजने के लिए जो है नवल जो है आपके पोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपके रशिया के पास नहीं था. इसीलिए जो है एक पोर्ट के ही लालच में उसने इतने सारे वॉर किए, ईस्टर्न क्वेश्चन में अपनी एंट्री की और वहां पे इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की, ब्लैक सी में इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की, सी ऑफ लाइक डार्डनल्स स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट में अपना जो है कब्जा जमाने की कोशिश की. बट अब जो है ये सारे जो वॉर्स जो है इसका जो पूरा मतलब इसके जो इम्पैक्ट होते थे वो आपकी यूरोपियन पावर्स नल कर देती थी, नलीफाई कर देती थी. इसलिए रशिया ऑप्टेड फॉर अ बैकडोर पॉलिसी. उसने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया दैट वाज पैनस्लाविज्म. उसने बोला कि देखिए आप डायरेक्टली तो हमें कुछ देने लेने नहीं दे रहे, हम वॉर जीत भी जा रहे हैं तो आप बर्लिन कांग्रेस लेके आ रहे हैं, तो अब देखिए हम क्या करते हैं. वो पैनस्लाविज्म का कंसेप्ट लेके आएंगे और जो ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न क्वेश्चन मतलब ऑटोमन एम्पायर में जो ऊपर की ये बाल्कन स्टेट थे जैसे कि बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, स्लोवाकिया ये सब थे, तो इनको क्या बोलेंगे रशिया कि जो है आप स्लाव लोग हो और हमारे यहाँ पे स्लाव रहते हैं, आप स्लाव क्रिश्चियंस हो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे. वही प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का जो पूरा पचड़ा पहले स्टार्ट हुआ था रूसो टर्किश वॉर में वो अब फिर से रशिया प्रोपेगेंडा करना लगेगा अपना, और इस चीज में वो काफी कामयाब भी रहेगा. जो आपके ये बाल्कन स्टेट से दे विल क्लेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये चीजें देखिए आगे वर्ल्ड वॉर वन तक कैसे पहुंचती हैं. ठीक है, तो आपने पैनस्लाविज्म पढ़ लिया. अब देखिए कांग्रेस ऑफ बर्लिन की हमने बात कर ली, पावर्स मेट टू अवॉइड वॉर इन बर्लिन 1878 एंड द ट्रीटी ऑफ बर्लिन रिड्यूस द रशियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन बाय गिविंग ऑस्ट्रिया डोमिनेशन ऑफ बोस्निया एंड ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ साइप्रस दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. देखिए यहाँ पे जो है आपके ये टर्की है, ये साइप्रस है. ठीक है, अब इस मैप में क्लियर हो रहा है. द कॉम्प्रोमाइज अवॉइडेड वॉर बट एंगर्ड द रशियन बाय रिड्यूसिंग देयर वॉर गेन्स. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. नाउ अब बात करते हैं पैनस्लाविज्म की, जिसको रशिया की बैकडोर पॉलिसी भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? रशियाज बैकडोर पॉलिसी. सी ओके,
So panslavism was nothing because nothing but Russian sponsored slogan. So what is panslavism? Panslavism claimed that ki jitne bhi Slav log hain, unki ek common nationality hai. Aur Russia jo ek largest Slavic country hai, isiliye Russia ki duty hai to lead and defend all other Slavs. So example, Russia was willing to protect Serbia, which was a new Slavic state, against any threat. So Slavs are home the people of Eastern and Central Europe. Okay, so ये रशिया ने बैकडोर पॉलिसी निकाली कि ये जो बाकी ये रीजन है यहाँ के, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड से ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो ये स्लाव कंट्रीज थी, तो रशिया ने बोला कि हमारे यहाँ स्लाव लोग रहते हैं और हम जो है स्लाव मतलब स्लाव्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और जो है इससे क्या होगा कि ये जो ईस्टर्न रीजन है, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं छोटी छोटी, वहाँ पे रशिया को इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो रशिया विल हैव एन एक्सेस टू सी पोर्ट्स. यू कैन सी दैट कि सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके एक ही इंटरेस्ट बाहर निकलता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो कोई भी फ्यूड होता है कल्चरल या कुछ भी तरह का, तो उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. पैन स्लाविज्म वॉज दिस कि द लार्जेस्ट स्लाविक कंट्री रशिया ट्राइंग टू प्रोटेक्ट स्लाव पीपल. ओके, सो प्रोपगेटिंग द आइडिया ऑफ स्लाविज्म एंड ऑन दिस बेसिस like disintegrating the Ottoman Empire and you know like asking countries to ask for or struggle for independence from Ottoman Empire or you can say Turkey. So Russia had encouraged this from a form of nationalism in So Russia had encouraged this form of nationalism in Eastern Europe. The movement tried to draw together all Slavic people. Russia was the largest Slavic nation. It was ready to defend a young Slavic nation in the Balkans, Serbia. A small Slavic population throughout the Balkans looked to Russia for leadership in their desire for unity. Okay? और ऑस्ट्रिया-हंगरी ने स्लाविक नेशनल मूवमेंट था उसका अपोज किया. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया-हंगरी एक स्लाव कंट्री नहीं है, और ऑस्ट्रिया-हंगरी को क्या चाहिए था? ऑस्ट्रिया-हंगरी वॉन्टेड टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर बोस्निया हर्जेगोविना, क्योंकि बोस्निया हर्जेगोविना उसको मिल गया था बर्लिन कांग्रेस के अंदर. अगर स्लाव मूवमेंट जो है वो कामयाब रहा, तो बोस्निया हर्जेगोविना जो है ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करेगा. इसलिए जो है ऑस्ट्रिया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ यू कैन से पैनस्लाविज्म. तो यू कैन सी दिस बाल्कन्स मैप, हियर इज द स्लोवेनिया, हियर इज क्रोशिया, दिस इज बोस्निया हर्जेगोविना, जिसके ऊपर ये आज की डेट का मैप है. तो मोर और लेस यही सेम था, लेकिन जो आपके तब ये अल्बानिया नहीं हुआ था, अल्बानिया जो है बाद में बनेगा जब आपके मतलब ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, सर्बिया और बुल्गारिया, मैकेडोनिया, ग्रीस, ये सारे रीजन है, ये टर्की का ही पार्ट है. ठीक है, तो ये आपके बाल्कन्स का मैप है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब आप देखिए कि बाल्कन 1878 में क्या होगा. इंडिपेंडेंट बाल्कन स्टेट्स कौन थे 1878 में? मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया और रोमानिया. जब ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो साइन हुई, तो इसमें ये तीन नेशंस थे और ये ग्रीस, ये चार नेशंस थे जिन्होंने अपना जो है अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट कर लिया था. ठीक है, तो धीरे धीरे आप करके देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब बाकी सारे बाल्कन स्टेट भी ग्रेजुअली यू कैन से दैट दे विल और यू कैन से दैट सीसीड फ्रॉम योर ऑटोमन एम्पायर. अब एक और बैकग्राउंड में एक मूवमेंट चलने लगता है जिसको कहते हैं हम यंग टर्क मूवमेंट. ठीक है, तो यंग टर्क मूवमेंट भी आ जाता है, और ये जो है पैनस्लाविज्म के अगेंस्ट था. यंग टर्क मूवमेंट जो है टर्की के जो लाइक टर्किश मुस्लिम्स थे उनका चलाया हुआ मूवमेंट था, और उनको लगता उनका कहना था कि जो क्रिश्चियंस हैं दे आर यू नो यू कैन से दैट कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, एंड दिस वॉज मोर ऑफ प्योरिटी एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो एक सुपर नेशनलिस्ट यूथ मूवमेंट था ये, और ऑटोमन एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग, सो दे वर ब्लेमिंग दीज स्लाव पीपल एंड दे वर सेइंग कि पैन टर्किज्म नाम की चीज होनी चाहिए. तो पैन स्लाविज्म को अपोज करने के लिए पैन टर्किज्म नाम का एक कंसेप्ट जो है डेवलप किया गया पैन स्लाविज्म को कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए. ठीक है, टर्क सारा सुपीरियर रेस, ये इनका मानना था. नॉन टर्किश पीपल मेक द ऑटोमन एम्पायर वीक, सो दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्लाव रेस, और यू कैन से द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी दैट आइडेंटिफाइड विद द रशियन सेटअप ऑफ रिलीजन एंड एवरीथिंग. सी, तो द पीपल हु लेड द यंग टर्क्स मूवमेंट वर नथिंग बट इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स विद मिलिट्री ऑफिसर्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन ऑटोमन एम्पायर in the European region, or you can say that Turkish region. So it increased rift between both the parties, both Slav people and the Turks. So as a precautionary step, European countries like Greece, Serbia, Bulgaria, United and these countries, Greece, Serbia, Bulgaria, Montenegro. ठीक है, यहाँ पे Montenegro का भी नाम आएगा, तो I might have forgotten, so you must write it. यहाँ पे Montenegro भी लिखा.
ठीक है, तो ये यूनाइट हो जाएंगे और बाल्कन लीग बनाएंगे 1911 में, एंड दिस प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर बाल्कन वॉर्स। अब बाल्कन लीग बन जाएगी, इसलिए बाल्कन लीग बनाएंगे कि बाल्कन कंट्रीज जो है एक साथ आइडेंटिफाई करते हैं और बाल्कन कंट्रीज जो है एक दूसरे को डिफेंड करेंगे, लेकिन बाल्कन कंट्रीज आपस में ही बाद में लड़ पड़ेंगे और फिर बाल्कन वॉर्स हो जाएगी, और बाल्कन वॉर्स की हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया, आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, आपने यंग टर्क्स मूवमेंट देख लिया, इसके पहले आपने पैन स्लाविज्म देख लिया, और आपने बर्लिन कांग्रेस भी देख ली है। तो तीनों चीजें हमारी जो है यहाँ पर कवर हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो लाइक बाल्कन लीग में कौन कौन सी कंट्री आती थी। मैंने आपको बोला कि मॉन्टेनेग्रो का नाम मुझसे मिस हो गया था, ठीक है। तो यू सी ग्रीस, सर्बिया, बल्गारिया एंड मॉन्टेनेग्रो। सो मॉन्टेनेग्रो इज हियर समवेयर। सारे जो ऑरेंज कलर से आपको कंट्रीज दिख रही है, दे वर बाल्कन लीग, सर्बिया, बल्गारिया, ग्रीस, ठीक है। सो दीज आर द बाल्कन लीग कंट्रीज, एंड उन्होंने अपना अलायंस बनाया जिसको उन्होंने बोला बाल्कन लीग, और ये कब हुआ, 1911-12 के बीच में, ठीक है। सो बाल्कन लीग इज क्लियर टू यू, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे बाल्कन वॉर्स, और बाल्कन वॉर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर है, एंड दिस वॉज दिस इनग्रेन इन टू योर माइंड वेरी इफेक्टिवली, वेरी इफिशियंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, एंड कीप कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, हूसोएवर यू थिंक दैट दे शुड बी यू नो लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।